हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पाथ मेकर पे। और मैं हूं विवेक। दोस्तों, आपके लिए लेकर आया हूं बहुत बड़ी अपडेट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी जेई के स्टूडेंट्स के बारे में। दोस्तों, हम बात करेंगे ईस्ट कोस्ट रेलवे और ईस्ट सेंट्रल रेलवे दोनों जोन के बारे में बात करेंगे। देखिए, ईस्ट कोस्ट रेलवे में आपका आरआरबी भुवनेश्वर आता है और ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आरआरबी पटना आता है। माय डियर, तो आरआरबी भुवनेश्वर की जो हम ईस्ट की तरफ से बात करें माय डियर, तो आरआरबी ग्रुप डी के स्टूडेंट्स के लिए ज्वाइनिंग रिगार्डिंग बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है। और साथ में ही मैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे की बात करूं तो माय डियर, आरआरबी पटना के लिए जेई के स्टूडेंट्स के लिए आज की डेट में एक डिवीजन अलॉटमेंट की लिस्ट जारी हुई है। तो दोनों नोटिफिकेशन को एक एक करके देख लेते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, पल पल के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, चलते हैं ईस्ट कोस्ट रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर। माय डियर, यहाँ पर देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ईस्ट कोस्ट रेलवे की ऑफिशियल साइट ओपन कर रखी है। यहाँ पर देखिए, मैं बात करूँ कि आरआरबी ग्रुप डी के स्टूडेंट्स की, मैं उस उन स्टूडेंट्स की बात करूँगा माय डियर जिनको संबलपुर डिवीज़न अलॉटमेंट हुआ है। ठीक है, तो आज की डेट में एक नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है, तो आप देख सकते हैं नोटिस फॉर अपॉइंटमेंट इन दी वेरियस पोस्ट ऑफ लेवल वन इन संबलपुर डिवीज़न। चलिए पूरे नोटिफिकेशन को देख लेते हैं माय डियर। यहाँ पर देखिए, आज की डेट में रिलीज़ हुआ है नोटिस, सब अपॉइंटमेंट इन द वेरियस पोस्ट ऑफ लेवल वन इन संबलपुर डिवीज़न अगेंस्ट सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन ऑफ CEN 2/2018। ठीक है, देख लेते हैं पूरा नोटिफिकेशन। देखिए, द कैंडिडेट एम्पिल अगेंस्ट ओरिजिनली हेल्पर ETNTL पोस्ट कोड 5, पोस्ट कोड के स्टूडेंट्स के लिए पोस्ट कोड 5 हैव ऑलरेडी बीन इश्यूड ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट बाई दी संबलपुर डिवीज़न बाई पोस्ट ऑन रिवाइज अलॉटमेंट एज पर रिक्वायरमेंट वेन एवर नेसरी। मतलब बोला गया है कि कोड 5 के जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर सिलेक्टेड हुए हैं, जिनको भी संबलपुर डिवीज़न अलॉटमेंट हुआ है, उनको जो ऑफर लेटर है, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, वो इश्यू कर दिया गया है। ठीक है, और वो यहाँ से मतलब जो अलॉटेड जो कैटेगरी है, वो हिसाब से उनको वहाँ पर उनको भेज दिया गया। मतलब यहाँ पर ऑफर एक तरीके से रिवाइज कर दिया गया है आपको। If the employed candidates did not receive offer of appointment by 21/9/2020, they may contact office senior DPO संबलपुर for further information। मतलब अगर आप लोगों को जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर संबलपुर डिवीज़न अलॉटमेंट हुआ है, ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी के स्टूडेंट से, अगर आप लोगों को ऑफर लेटर 21/9/2020 तक आपके घर पर नहीं पहुँचता है, तो आप लोग यहाँ पर डिवीज़न में, आप लोग यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप लोग यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक तरीके से बहुत बड़ी खुशखबरी है माय डियर। अब देख लेते हैं हम दूसरा नोटिफिकेशन को माय डियर, उसको भी देख लेते हैं आरआरबी पटना की साइट पे। दोस्तों माय डियर, यहाँ पर देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ईस्ट सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है। देखिए, यहाँ पर नोटिफिकेशन आज की डेट में रिलीज़ हुआ है, बट यहाँ पर डेट इन लोगों ने 3/9/2020 लिखा हुआ है। ठीक है, अलॉटमेंट ऑफ वन कैंडिडेट फॉर दी पोस्ट ऑफ जेई CNW इन धनबाद डिवीज़न पैनल रिसीव्ड। मतलब जो भी पटना का ये एक स्टूडेंट है, ठीक है, जेई का, उसको क्या है, धनबाद डिवीज़न अलॉटमेंट हुआ है, उसके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन है। चलिए देख लेते हैं नोटिफिकेशन को माय डियर पूरा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मैंने इसका नोटिफिकेशन ओपन कर रखा है। ठीक है, यहाँ पर एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको जेई का स्टूडेंट है और जिसको क्या है, ये आरआरबी पटना का स्टूडेंट है, और इसको कौन सा धनबाद डिवीज़न अलॉटमेंट यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से इसका PDF आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो यहाँ से आप अपना नाम, रोल नंबर यहाँ से मैच कर सकते हैं माय डियर। दोस्तों, ये था आज का फुल नोटिफिकेशन। दोस्तों, इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद।